खबर एटा से, जहां पर थाना अलीगंज व जनपदीय स्वाट टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई के दौरान केटला चौराहे कयामगंज को जाने वाले रोड के पास एक अवैध शस्त्र सप्लायर को समय करीब 6:15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की जमा तलाशी तथा मौके से 3 देशी पिस्तल, 32 बोर, 4 देशी तमंचे, 312 बोर, 1 देशी तमंचा और 32 बोर एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह रास्ते एवं सस्ते दामों पर असलहा खरीद कर महंगे दामों पर बेच देता था। इन शस्त्रों को भी वह अलीगंज के रास्ते जनपद फारुखाबाद रेलवे स्टेशन पर बेचने के लिए ले जा रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना अलीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये थाना अलीगंज पुलिस और स्वाट टीम द्वारा एक देसी अस्त्र शस्त्र है, उसके सप्लायर को पकड़ा गया है। ये कल्लू खां है, भरगैन का रहने वाला है ये, और इसके कब्जे से एक देसी राइफल, 3 देसी पिस्टल और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। ये पूरे कंसाइनमेंट इसका था, जो लेकर के फरुखाबाद सप्लाई करने जा रहा था, और इसको अलीगंज के पास से पकड़ा गया है। ये इसके 2 साथी और हैं अभी, जो एक छोटे हैं भरगैन का और एक कैलाश है, जो इनको तैयार करके माल सप्लाई करते हैं, और ये एक कैरियर काम करता है, सप्लाई करता है। और ये जो अस्त्र बरामद हुए हैं, जो पिस्टल है 25,000 में बेचता है, तमंचा 2,500 का और राइफल 7,000 की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग वाले अस्त्र तैयार कर रहे हैं लोग, और इसकी काफ़ी डिमांड बताई जा रही है, और काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे थे ये। 2016 में इसको पकड़ा गया था, तो ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं जो, और इस तरह से अवैध देसी शस्त्र उनका ये व्यापार करते हैं। तो ये निर्माण करके बनाते हैं कि खरीदते बेचते हैं? ये बताया इनका जो कैलाश नाम का व्यक्ति है, वो निर्माण करता है, छोटे जो है तैयार करके और पूरा इसको सप्लाई करने का उसका अपना नेटवर्क है, और ये कैरियर काम करता है, पकड़ा गया। इसकी सप्लाई सर जिले के बाहर भी है? हाँ बिल्कुल, ये जो कासगंज मूलता है, कासगंज के रहने वाले हैं भरगैन के, वहाँ से तैयार करते हैं माल, और एटा, कासगंज, फरुखाबाद, कई जनपद में सप्लाई करते हैं।